हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल के आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे सभी दर्शक गणों को बहुत बहुत नमस्कार। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम जो चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, ये मासिक राशिफल की चर्चा हो रही है और ये जो मासिक राशिफल है ये माह अगस्त 2021 का है, आने वाले महीने का। और आपको बताएंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को कि माह अगस्त का जो महीने, ये जो राशिफल है, आपके लिए कितना शुभ और कितना अशुभ रह सकता है। साथ में उनके उपाय भी आपको दिए जाएंगे, उपाय भी छोटे छोटे बताएंगे आपको ज़रूर। अगर आपने वो किए तो आप परेशानियों से भी बाहर निकलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ग्रहों की गोचर में जो माह अगस्त में स्थिति बन रही है उसके विषय में भी जानकारी देना चाहते हैं हम। तो आइए उसकी जानकारी भी आपके साथ साझा करते हैं। सूर्य जो हैं वो 16 अगस्त को अपनी मित्र राशि कर्क से निकल करके अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और मंगल पूरे माह अपनी मित्र राशि सिंह में ही बने रहेंगे, लेकिन 17 अगस्त को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सूर्य 16 अगस्त को अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे जहाँ पर पहले से ही मंगल है। तो जब वो काफ़ी क्लोज हो जाएंगे तो मंगल 17 अगस्त को अस्त हो जाएंगे सूर्य के कारण। बुध 8 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे कर्क से निकल करके, अपनी शत्रु राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि में प्रवेश करेंगे सिंह राशि में, और 15 अगस्त को पश्चिम में उदय भी होंगे तथा 26 अगस्त को ये अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे सिंह राशि से निकल के। लगभग 10 दिन इनकी युति सूर्य के साथ रहेगी इस राशि में, कन्या राशि में, और लगभग 19 दिन मंगल के साथ रहेगी सिंह राशि में। गुरु जो हैं वक्री अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में पूरे माह इसी प्रकार संचार उनका चलता रहेगा। शुक्र 11 अगस्त को अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करने वाले हैं मार्गी एवं उदय अवस्था में। शनि वक्री अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार करते रहेंगे पूरे महीने, और राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में इसी प्रकार संचार पूरे माह करते रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति गोचर में माह अगस्त में। तो अब चर्चा करते हैं जो मेष लगन मेष राशि के जातक हैं उनका माह अगस्त का मासिक राशिफल के विषय में, और सबसे पहले चर्चा आरंभ करेंगे उनके व्यवसाय के विषय में। तो देखिए, जहां तक व्यवसाय का प्रश्न है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने कहा कि माह के आरंभ से लेकर और माह के मध्य तक, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में मकर राशि में चल रहे हैं और जो आपका दशम हाउस है उसके स्वामी जो हैं वो शनि हैं, और शनि दशम हाउस में ही वक्री स्थिति में है, तो और ऊपर से सूर्य की उनके साथ दृष्टि संबंध बनेगा माह के मध्य तक, तो थोड़ी समस्याएं आपको अपने व्यवसाय में यानी कि कार्य क्षेत्र में, चाहे आप रोजगार में हैं या फिर व्यापार में हैं, थोड़ी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। यानी कि जो भी आपके कार्य होंगे जिनको आपने करना है वो थोड़ी बहुत दुविधाओं के साथ ही आप उनको पूरा कर पाएंगे, लेकिन महामध्य से स्थिति में थोड़ा सुधार होगा और सुधार होने से लेकर के माह के अंत तक ये सुधार बना रहेगा। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि माह के आरंभ से माह के मध्य तक थोड़ी स्थिति जटिल रहेगी आपके कार्य क्षेत्र में आपके लिए, और महामध्य से माह के अंत तक स्थिति में सुधार होगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए, थोड़ा आप भी सुकून महसूस करेंगे। पूरा तो नहीं कर पाएंगे लेकिन थोड़ा सुकून अवश्य महसूस करेंगे। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि सुख सुविधाओं का प्रश्न, मतलब आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी या थोड़ा आराम का जॉब रहेगा, देखिए भाग दौड़ तो अवश्य रहेगी, निश्चित रूप से रहेगी, माह के मध्य तक ज़्यादा रहने वाली है, माह के मध्य से माह के अंत तक थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन दौड़ धूप आपसे शनिदेव अवश्य करवाएंगे,
पसीना तो आपको निकालना पड़ेगा, तभी जा करके कुछ अनुकूल परिणामों की प्राप्ति आप अपने कार्य क्षेत्र में कर सकेंगे। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, वित्तीय स्थिति, देखिए वित्तीय स्थिति की भी प्रश्न जहाँ तक आता है बता दें आपको, सामान्य रहने वाली है इस माह अगस्त के महीने में। कुछ ना तो बहुत कोई बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, बहुत मजबूत रहेगी, ना ही बहुत खराब रहेगी, मध्यम हालात रहेंगे आय के, इनकम के। और जहाँ तक व्यय का सवाल है, खर्चों का, तो खर्चे भी आपके बराबर होते रहेंगे, आय के साथ साथ खर्चे भी लगे रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इम्बैलेंस हो जाए, ऐसा नहीं होगा कि आय कम हो जाए और खर्चा अधिक हो जाए, इस प्रकार की स्थिति नहीं रहेगी। हाँ, आय भी होती रहेगी, साथ साथ खर्चे भी लगे रहेंगे। प्रेम संबंध, देखिए प्रेम संबंधों की बात बता दें कि जो प्रेमी हैं, चाहे वो मेल हैं या फीमेल, उनका आपस में माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक संबंधों में थोड़ी तलखी अवश्य बनेगी, किसी ना चाहे किसी छोटी सी बात को लेकर के बन जाए, कोई ना कोई इशू जो है वो आपके बीच में जरूर रहने वाला है। और जो इस और क्या कहते हैं एफर्ट करना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं इस दिशा में, उनके प्रयास जो हैं वो सफल होने वाले नहीं हैं, ग्रहों का सहयोग उनको इस दिशा में प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि आपका अगर दिल और दिमाग इस तरफ है तो कृपया उसे हटाएं वहाँ से, और हटा करके अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कार्य से किसी अच्छे जगह पे उसको यूटिलाइज़ करें, ताकि उसका कुछ आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें, क्योंकि प्रेम संबंधों में तो आपको कुछ हासिल होने वाला इस माह दिखाई नहीं देता। पारिवारिक संबंध, देखिए पारिवारिक संबंधों का जहाँ तक प्रश्न आता है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि पारिवारिक जो संबंध हैं वो आपके ऊपर नीचे रहेंगे, कभी मेल मिलाप हो गया, कभी थोड़ा सा आपस में मतभेद हो गए, और थोड़ा आपको भी जब तक राहु वृषभ राशि में बैठे हैं, आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, आप कुछ जरा ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, राहु ने आपको ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड किया हुआ है, इतने भी कोई भी बात बोलते हैं पूरे ऑनेस्टी के साथ बोलते हैं, और अपनी बात को जो कहने का जो आपका ढंग है वो बहुत एक तरीके से, जब आप अपनी बातों को जो है बोलते हैं कहते हैं तो निसंकोच होकर के बोलते हैं, उसका ये नहीं सोचते हैं कि कहने आपका भाव तो बिल्कुल, मैंने जैसा कहा बहुत ऑनेस्टली बोलते हैं आप ईमानदारी के साथ, लेकिन उसका गलत इफ़ेक्ट पड़ रहा है सामने वाले पे या अच्छा पड़ रहा है ये भी सोचने वाली बात है, तो थोड़ा इस प्रकार का सोच करके बोलें, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। और शिक्षक जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा के विषय में जो छात्र, तो छात्रों की शिक्षा का जहाँ तक प्रश्न है, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपनी शिक्षा को लेकर के गंभीरता पूर्वक प्रयास नहीं किए तो परिणामों में कमी आपको देखने को मिलेगी, तो इसलिए अपने प्रयास जारी रखें, अपनी मेहनत जारी रखें, परिश्रम करें अपनी शिक्षा में, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके मध्यम परिणाम आपको प्राप्त हो जाएंगे। और अब आपसे बात करेंगे हम संतान के विषय में। देखिए संतान का जहाँ तक प्रश्न है तो संतान के विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि माता पिता को अपनी संतान को लेकर के थोड़ी सी लिटिल बिट टेंशन जरूर रहेगी, और ऐसा भी नहीं है कि संतान को आपके यानी कि वो सक्सेस नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है कि वो अनसक्सेस हो जाएंगे, कहने का अभिप्राय ये है कि मध्यम तरीके से काम चलेगा, मध्यम परिणामों की प्राप्ति आपको अपनी संतान के द्वारा होती रहेगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, कि स्वास्थ्य को लेकर के कैसे हालात रहेंगे। देखिए स्वास्थ्य का जहाँ तक प्रश्न है मैं आपको बता दूँ कि स्वास्थ्य का आपको निरंतर ध्यान रखना होगा, शुगर लेवल आपका बढ़ सकता है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनका शुगर लेवल बढ़ सकता है, शुगर के से संबंधित उनको प्रॉब्लम हो सकती है, इस बात का आपको रखना है बहुत ध्यान, और साथ ही अपना चेकअप भी बराबर कराते रहना, तो आप अपना चेकअप भी बराबर कराएं, स्वास्थ्य का निरंतर ध्यान रखें। अब अंत में आपको बताते हैं उपाय, कौन से वो उपाय हैं जिनके करने से आपको इन क्षेत्रों में
जहाँ जहाँ समस्या मैंने बताया है, थोड़ा सा आपको परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है और अपने हाथों से गाय को रोटी पे, जो रोटियाँ होती हैं उस पर देसी घी रख करके, कोई सफ़ेद रंग की मिठाई रख के, चाहे चीनी रख दें, अपने हाथों से प्रत्येक शुक्रवार को आप खिलाएं गौ माता को। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आपकी धन की स्थिति भी बेहतर होगी। तो ये स्थिति जो है आपकी सिर्फ इतने से उपाय करने से ही बेहतर हो जाएगी। तो अब आपसे हम यही कहते हैं कि आप इन उपायों को अगर करते हैं, मैंने अभी बहुत छोटा सा उपाय बताया है, माँ लक्ष्मी जी की पूजा, और अगर आप कर सकते हैं इससे अधिक तो आप डेली ओम शूं शुक्राय नमः इस मंत्र का एक माला जाप कर लिया करें, अति उत्तम। तो ये था मेष राशि के जो जातक हैं उनका मासिक राशिफल अगस्त 2021 का। साथियों, आपको अच्छा लगा, पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।